सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ दोस्तों खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ शुरुआत करते हैं हम आज की अपनी वीडियो की। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ शत्रु नाश का एक और बहुत ही बेहतरीन उपाय। काफ़ी लोग कॉल करते हैं कि हमें शत्रुओं का नाश तो करना है, लेकिन उनका पूरा नाश नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करना है। तो थोड़ा थोड़ा करिए। आप ऐसा उपाय करें कि शत्रु को कोई परेशानी भी ना हो और वो अपने आप शांत हो जाए। वो जो भी एक्टिविटी कर रहा है आपके खिलाफ, वो करना वो बंद कर दे। वैसे दोस्तों शत्रुनाश की मैंने काफ़ी वीडियोस बना रखी है। यदि आप चैनल पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी ऐसी शायद कोई समस्या नहीं है जिसका उपाय मेरी चैनल के अंदर आपको ना मिले। और इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि जो नए व्यूवर्स आ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आपको आपकी जो भी समस्या है, आपको हर चीज़ का उपाय चैनल के अंदर मिलने लग जाए। और यदि दोस्तों आपको ये जानकारियाँ अच्छी लगती है तो लाइक अवश्य करें दोस्तों, शेयर अवश्य करें। तो दोस्तों, आज मैं आपको जो उपाय बताने जा रही हूँ वो है अमावस्या का। ये जो 23 अप्रैल के दिन अमावस्या आ रही है दोस्तों, इस अमावस्या के दिन आपको ये उपाय करना है। बहुत 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 साधारण उपाय है, कोई भी कर सकता है अपने शत्रुओं के लिए। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, अमावस्या की रात, मतलब समझो रात को 8 बजे के बाद, बहुत रात भी ना हो, 8-8:30 बजे के बाद आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको घर में आप जो भी रोटी बनाते हैं उसमें से लास्ट वाली रोटी आप ले लें, एक रोटी आपको ले लेनी है लास्ट वाली, और उसको चुपड़ दें, या तो सरसों के तेल से या फिर घी से, बराबर। लास्ट वाली रोटी आपको लेनी है और उसको उस पर घी या सरसों का तेल आपको लगा देना है। आपको उस रोटी के ऊपर नाम लिखना है शत्रु का। नाम दोस्तों आपको काजल से लिखना है, काजल से आप नाम लिख दें, जो भी आपका शत्रु है उसका आप नाम लिखें। यदि शत्रु एक से ज़्यादा है तो आप उनके भी नाम लिख सकते हैं। फिर ऐसा नहीं हो कि आप पूरी लिस्ट लिखें, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे कॉल करते हैं कि उनके तो शत्रु बहुत सारे शत्रु हैं, तो ऐसा नहीं, लेकिन 4-5 शत्रु हो वहाँ तक चलता है। तो आप शत्रु के नाम लिख दें और उसके बाद उस रोटी को लेकर के जाएं बाहर, और काले कुत्ते को आप उस रोटी को खिला दें। यदि दोस्तों कुत्ते ने उसी समय उस रोटी को खा लिया तो समझे आपका शत्रु शांत हो गया। वो जो भी एक्टिविटी कर रहा है आपके खिलाफ, अब वो करने के पहले बहुत बार सोचेगा। जैसे आप सोचते हैं ना कि मुझे शत्रु का बुरा नहीं करना है, बस वो जो मेरे खिलाफ कर रहा है वो ना करे, तो यही होगा। वो जो भी एक्टिविटी कर रहा है आपके खिलाफ, उसमें वो शांत हो जाएगा, वो एक्टिविटी करना छोड़ देगा। लेकिन शर्त इतनी है कि कुत्ता उस रोटी को खा ले, बस आपको उस रोटी को अमावस्या की रात कुत्ते को खिला देना है। तो करते रहे दोस्तों। यदि इस चीज़ को, ये क्रियाओं को दोस्तों समझने में कहीं कोई भी तकलीफ पड़ती है, करने में कहीं कोई बाधा आती है, तो पूछे अवश्य। दोस्तों, अभी आपके फ़ोन कॉल्स में 9:30 से 11:30 बजे के बीच में रिसीव करती हूँ, तो प्लीज़ आप इतने ही टाइम कॉल करें सुबह के समय 9:30 से 11:30 बजे के बीच में। मैं आपके प्रश्नों का जवाब देने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो करते रहें दोस्तों, खुश रहें। जय श्री कृष्णा।